सलिया के दीदी के कैसना खूब बहन सुशीला शंकर आज कितना खुशी के बात में देख रहा हूँ कि तुम जो अंधी थी जो तुम्हारे पास नैन है आज हमसे देखकर तूने बात कर रही है। क्या बात है बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब किनका पुण्य और प्रताप की वजह से आज तुम मर कर भी जीवित हो और मैं अंधी से इस पूरे संसार को देख सकती हूँ। क्या आज इस समय जो घना घोर जंगल में मर के मैं जीवित हूँ तो इस राजा के बच्चे से? ये राजा कौन है? ये राजा, इनका नाम राजकुमार है। ये जगदीशपुर का राजा है। ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये हमारी, मैं इनसे वादा कर चुकी हूँ कि मैं इनसे शादी करूंगी तब तुम्हारा प्राण बचा है और मेरी नैन वापस आया है। बहन सुशीला, हमारे जान बचाने के लिए इस राजा से तेरे विवाह किया है तो हमारे अंसार में आने हमारे जीजा लगेंगे। हाँ। है ना? लेकिन मैं नमस्कार करता हूँ। बहन सुशीला, हमारे चलते तूने इतना कुर्बान दी है लेकिन एक बात कहने के लिए चाहता हूं, जो सुनो। आगे चला चला आगे महेंद्र पुराना सुशीला भाई चलो और चल के महेंद्रपुर राज में चल कर मैं मुलाकात करता हूँ कि महेंद्रपुर राज कैसा है। चला मैं अपने पिताजी से मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ। चलो
राजा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, ध्यान लगा के सुनी। सुंदर पंची की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार हमारे तरफ नमस्कार बा, धरतीया के भागबा हमारे पंचो जी के जय जयकार बा। पतिदेव आज विश्राम कर लीजिए। अरे चादर बिछाओ बलवा, चादर बिछाओ बलवा, चंदनिया भाई साहब का रे मिला हमरा भाई शंकर रे चला जाए सजिया पर बैठल सानी करके सिंगार जी हमरा के लेला सानी हरया गाना हेलो
सरकाइलो सरकाइलो खटिया सर काई लो सर काई लो।